चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज इंक्रीज बाय 30% मेकिंग हिज सैलरी ₹9.10। व्हाट वॉज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, यानी इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी क्या थी ये बताना है। तो देखिए ये जो दे रखा है मुझे वो इंक्रीमेंट दे रखा है, कैसे मतलब समझिए कि अगर उसके पास में ₹100 थे स्टार्टिंग में तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ 30% का हुआ, यानी कि ₹100 पे अगर 30% बढ़ाऊँ यानी ₹30 बढ़ेंगे तो ₹30 अगर इसमें जोड़ूंगा तो उसकी जो सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी आपकी ₹130 हो जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है जो उसकी सैलरी बढ़ी हुई है वो कितनी है 910 है, तो ये तो मैंने एज्यूम किया तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास में ये बन जाए, तो 13 से 91 अगर इसे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू ये बन जाएगी, तो जिससे से मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ₹700 जो होंगे उसकी वो बिगिनिंग में उसकी उसका अमाउंट होगा यानी उसकी सैलरी होगी। अब कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता लगता कि सर इसमें 7 से आपने कहाँ से मल्टीप्लाई कर, तो ये जो 910 दे रखा है इसको आप डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे आपको इसे मल्टीप्लाई करने पे ये 910 बनेगा, जिससे से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं, मान लेते हैं कि भाई उसकी सैलरी थी ₹X, ठीक है उसका 30% बढ़ा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब बढ़ने वाली बात हो तो 100 ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना कि अमाउंट एक्स था तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 100 नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, अब देखिए कितना परसेंट बढ़ा या घटा, अगर बढ़ा है तो ऊपर वाले में आप जोड़ दीजिए और घटा है तो घटा दीजिए और बराबर में रख दीजिए जितना अमाउंट बढ़कर हो गया है, तो इसको ऐड करेंगे तो x इंटू में कितना हो जाएगा 130 बाय में 100 बराबर में कितना होगा 910, इससे ये कट जाएगा आपका 13 से 91 हो जाएगा आपका, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 700। इस पूरे अमाउंट को आप यहां लेके जाएंगे तो ये 910 इंटू में 100 बाय में 130 ये इससे कट जाएगा 13 से 91 यानी कि 700। हो सकता है GD वाले बच्चों को कैलकुलेशन समझ में ना, इसलिए मैंने डिटेल से कर दिया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।